अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है ईद का डे 2 और हम लोग नमाज़ पढ़ के सुबह 5 बजे वॉक के लिए निकले हैं। तो गला मेरा काफ़ी ख़राब था तो मैं वापस अंदर आई हूँ जो शानदा पीने के लिए, और मामा बाहर वॉक ही कर रही थी और मैं भी बैठ के जो शानदा पी रही हूँ। तो गाइस, मैं नाश्ता करके आ गई हूँ ऊपर और रूम में इतनी मज़े की धूप आ रही है, इतना सुकून मिल रहा है, और आई होप आज थोड़ी तबीयत मेरी सेटल हो जाए सो डैट आई कैन शूट माय व्लॉग एंड वीडियो। मैं 3 बजे से जाग रही हूँ एंड उसके बाद अब 8 बजने लगे हैं, अब मैं सोती हूँ दोबारा से, आपसे मिलती जब मैं उठूँगी। तो मेडिसिन खाने के बाद मैं सो गई थी और अच्छी खासी मुझे नींद आई थी। अब मैं उठी हूँ अराउंड 3 बजे और मामा ने बनाया हुआ था मटर पुलाव और साथ में मामा ने बनाया है चिकन कोरमा। तो आज हमारे घर पे मेहमानों ने आना था, मतलब नाना अबू और मामू लोगों ने आना था, तो बस उनका इंतज़ार हो रहा था और वो आ गए हैं। ईद मुबारक। तो बस यहाँ पे पोस्ट लंच की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं, ऑलमोस्ट 4 बजे का टाइम हो रहा था और प्रेपरेशंस कर रहे हैं, टेबल लगा रहे हैं। सो गाइस, आज का हमारा लंच मेन्यू में था चिकन कोरमा, मज़ेदार सा, लजीज सा, और साथ में थी रोटियां, साथ में थे मटर पुलाव, उसके बाद चिकन टिक्का था और साथ में था चिकन लेग्स और मटन चॉप्स। ये था आज के हमारे मेन्यू में। और यहाँ पे मुझे मिल रही है ईदी। सबने खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और खाना खाने के बाद मैंने बनाई थी सबके लिए चाय। फ्रेंड्स, चाय हो गई है रेडी, अब मैं इनको सर्व करती हूँ सबको। तो बस उसके बाद सारे बाहर बैठ के गॉसिप्स वगैरह करते रहे और फैमिली टाइम इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, गेट टुगेदर सी हो गई थी। उसके बाद नाना अबू घर चले गए थे क्योंकि उन्होंने अंधेरा होने से पहले घर जाना था। उसके बाद मामा और मामू जो है यहाँ सोसाइटी में ही घर वगैरह देख रहे थे कि किस तरह से बने हुए हैं एंड कोई आइडियाज़ वगैरह, और इस तरह से मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। मेरी ईद तो गुजर रही है चाय के साथ और इनहेलर के साथ, और मुझे बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजर रही है। तो गाइस, रात हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और सब अपने अपने घरों को जाने वाले थे, तो हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए गए बाहर, और इस तरह से हमारा ईद का जो डे 2 है वो हमने सेलिब्रेट किया। और माशाल्लाह से चांद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइज, आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यूट्यूब पे 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैनी मोर टू गो। तो हम ये केक कट करेंगे थोड़ी देर के बाद और ये मामू लेकर आए थे। और आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना डिनर और डिनर के बाद करते हैं वॉक। सो गाइस, अभी हम अपने स्ट्रीट में घूम रहे हैं और गेस्ट होकर चले गए हैं आज के दिन के। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और अभी हम स्ट्रीट में घूमेंगे। काफ़ी ज़्यादा बाइक्स वगैरह की भी आवाज़ आ रही है, टाउन के अंदर काफ़ी गहमा गहमी हुई हुई है कमर्शियल साइड पे, और थोड़ा सा हम देखते हैं आगे जाकर के क्या सीन है अगर कुछ नज़र आता है तो। तो यहाँ पे स्ट्रीट में बच्चे जो है वो बाइक चला रहे हैं और अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पे हम आए अभी, हम आगे गए ही नहीं हैं, बट इधर तक भी इतना रश है लोगों की, बाइक्स की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं एंड
लगता है लोगों ने घर वापस नहीं जाना। पर मैंने सुना था पेट्रोल महंगा हो गया और यहाँ पे जो हालात है ना वो देख कर लग नहीं रहा कि लोगों के लिए महंगाई ज्यादा हो गई या पेट्रोल ज्यादा हो गया। तो घूमते घूमते हम यहाँ पे क्यारियाँ देख रहे थे, तो इनकी क्यारी बहुत सिंपल सी थी बट जो फ्लावर्स थे वो बड़े खूबसूरत लगते हैं मुझे इस तरह के। तो बस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी स्ट्रीट की क्यारियाँ। Guys, this was it from today's video. I hope you like the video. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। And do not forget to hit the bell icon. Yes, and till then take care. Allah Hafiz.